नमस्कार, मैं वैशाली। आज मैं बना रही हूँ 56 कद्दू की सब्जी। आपने इसका नाम वैसे कम ही सुना होगा, पर इसकी सब्जी बहुत टेस्टी लगती है और ये नॉर्थ में मिलता है, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में ये काफी मिलता है। और देखने में ये बिल्कुल कद्दू की तरह लगता है, लेकिन इसका साइज बहुत छोटा होता है और बहुत सॉफ्ट भी होता है, और सब्जी बहुत जल्दी से बन जाती है, लेकिन बहुत टेस्टी सब्जी लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं 56 कद्दू की सब्जी बनाना। ये देखिए, आज मैं बना रही हूँ 56 कद्दू की सब्जी, और आप देख सकते हो देखने में ही कितना अच्छा लगता है। नाम इसका कद्दू है, लेकिन इसका साइज बहुत ही छोटा होता है। आप देख सकते हो कितना छोटा एक हाथ में आ गया। नहीं तो नॉर्मली जो कद्दू होता है वो बहुत बड़ा होता है, और ये नॉर्थ में, पंजाब में, चंडीगढ़ में, यहाँ पर ये काफी मिलता है, और इसकी सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। मतलब, और सबसे अच्छी बात है बहुत जल्दी से पक भी जाता है, बहुत सॉफ्ट होता है ये। आप देख सकते हो कितना सॉफ्ट दिख रहा है, ये बहुत ही सॉफ्ट। मैं इसको आपको काट के दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैं इसको कट करके दिखाती हूँ 56 कद्दू का आपको। और वैसे तो अगर इसमें हल्के हल्के दाग हैं तो वो हटा सकते हैं, वैसे इसको कोई छिलका छिलने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे इसमें हल्का सा दाग दिख रहा है तो ये देखिए इस तरह से हटा देंगे, और बिल्कुल सॉफ्ट है ये। ये देखिए, मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कितने आराम से कट हो गया है। और जिस तरह से हम लौकी को कट करते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, उस तरह से कट कर सकते हैं। ये देखिए, और कोई बीज भी नहीं होते, हल्के हल्के से छोटे छोटे बीज दिखाई देते हैं। तो अब मैं इसे कट कर लेती हूँ। तो ये देखिए, मैंने 56 कद्दू को छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, जिस तरह से हम लौकी को कट करते हैं बिल्कुल ठीक वैसे ही छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। तो अब लगाते हैं सब्जी को तड़का। तो ये देखिए, मैंने कढ़ाई रख दी है, धीमी आंच पे गैस ऑन कर दिया है। तो अब मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच सरसों का तेल। तो तेल को गर्म होने देते हैं। तो ये देखिए, तेल गर्म हो चुका है, तो अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 चम्मच जीरा। जीरा बढ़िया क्रैकल हो रहा है, तो अब मैं साथ ही डाल दूंगी लहसुन को। देखिए, मैंने चॉप किया हुआ लगभग 5 से 6 लहसुन की कलियां ली थी। और साथ ही डालूंगी मैं अदरक, तो लगभग 1/2 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया था, जिसे बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ है मैंने। अगर आपके पास पेस्ट है तो आप पेस्ट भी डाल सकते हो। तो ये देखिए, लहसुन और अदरक को धीमी आंच पे भून लूंगी हल्का सा, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हल्का से भूनेंगे। और अब मैं इसमें सूखे मसाले डालूंगी। तो ये देखिए, 1 चम्मच मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर लिया हुआ है, धनिया पाउडर डाल दूंगी। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच मिर्च पाउडर, मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो। और बढ़िया मिक्स कर देंगे, और गैस की आंच बिल्कुल धीमी रखी हुई है, क्योंकि मसाले मैं डायरेक्ट तेल में ही डाल रही हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हो बढ़िया कलर आ चुका है। इस स्टेज पे आज आप गैस ऑफ भी कर सकते हो कि मसाला जल ना जाए। अगर ज़्यादा कढ़ाई गर्म हो गई है तो आप कलर देख सकते हो कितना बढ़िया आ चुका है। तो अब आप देख सकते हो मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर, और मैंने 3 मीडियम साइज के टमाटर लिए हुए हैं, जिसे बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ है। और साथ में अब मैं डालूंगी इसमें नमक, तो लगभग 1/2 चम्मच नमक लिया हुआ मैंने, और ये सेंधा नमक है। जब भी नमक खाए, सेंधा नमक खाए, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और मैं सब्जी को और टेस्टी बनाने के लिए डाल रही हूँ फ्रेश मटर। तो लगभग 1 कटोरी मैंने मटर लिए हुए हैं, और बढ़िया मिक्स कर देंगे। और अब 2 से 3 मिनट के लिए ढक कर के पकने देंगे। इससे क्या होगा कि मटर भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे और टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ये देखिए, ढक्कन ढक दूंगी मैं, और 2 से 3 मिनट बाद फिर से चेक कर लेंगे। तो ये देखिए, लगभग 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, हमने मटर और टमाटर डाल दिए थे और ढक दिया था। तो आप देख सकते हो कि जो टमाटर है बढ़िया सॉफ्ट दिखने लगे हैं, और मटर का भी कलर चेंज हो गया। फ्रेश मटर है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता पकने में, क्योंकि अभी ये सब्जी के साथ भी पकेंगे। तो अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ 56 कद्दू, जिसे मैंने बारीक काट करके रखा हुआ है, और मिक्स कर देती हूँ मसाले के साथ में। और इस सब्जी को पकाने के लिए एक्स्ट्रा पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टमाटर तो डले हुए और हम ढक करके पकाएंगे तो आराम से सब्जी पक जाती है। बस बीच बीच में देखना होता है, क्योंकि सब्जी में अपना ही मॉइस्चर होता है। जिस तरह से लौकी की सब्जी बनती है बिल्कुल ठीक वैसे ही आराम से सब्जी पक जाती है। ये देखिए, और अभी मार्केट में जो ठंड के टाइम में फ्रेश मटर आते हैं, तो मटर डाल के बनाई है तो बढ़िया टेस्ट आता है सब्जी का। ये देखिए, देखने में कितनी अच्छी लग रही है। तो बढ़िया मिक्स कर दिए मैंने, तो अब मैं ढक देती हूँ,
और 2 से 3 मिनट बाद फिर से चेक कर लेंगे। और गैस की आंच लो से मीडियम हीट पे रखी हुई है मैंने, तो लगभग 2 से 3 मिनट हो चुके हैं छप्पन कद्दू की सब्जी को पकते हुए। और आप देख सकते हो कि हमने पानी बिल्कुल नहीं डाला था और कितना पानी छूटा हुआ है देखिए सब्जी में। तो एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और जब तक ये जो पानी छूटा है पूरी तरह एब्जॉर्ब ना हो जाए सब्जी आराम से पक जाती है इसी पानी में आराम से। तो चाहे तो आप इसमें हल्की सी ग्रेवी भी रख सकते हो जिसे आप चावल के साथ खा सकते हो, ये पूरी तरह से सुखा भी सकते हो। तो बस इसी तरह से मैं मिक्स कर दूंगी और फिर से ढक दूंगी और 2 से 3 मिनट बाद फिर से चेक कर लेंगे। तो छप्पन कद्दू की सब्जी को पकते हुए लगभग 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और सब्जी बहुत ही बढ़िया तरीके से पक चुकी है। और ये देखिए हल्की हल्की सी इसमें ग्रेवी भी है, तो मैं इतनी ग्रेवी इसमें रख रही हूँ। जैसे मैंने पहले बताया था चाहे तो पूरी तरह से सुखा भी सकते हो लेकिन ये ग्रेवी इसकी अच्छी लगती है। ये देखिए बढ़िया पक चुकी है सब्जी अच्छी तरह से। तो अब मैं इसमें डालूँगी गरम मसाला, तो लगभग 1/4 चम्मच ही लिया है मैंने गरम मसाला, इसे डाल दूँगी, हल्का सा फ्लेवर बहुत अच्छा लगेगा। और डाल दूँगी इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया और अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। तो देखिए कितनी जल्दी से सब्जी बन गई है छप्पन कद्दू की और गर्मा गर्म सब्जी खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो अब मैं इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लूँगी। तो ये देखिए गर्मा गर्म छप्पन कद्दू की सब्जी बनके तैयार है खाने के लिए। तो आपने देखा इसे बनाना कितना आसान है और इसकी सब्जी बहुत टेस्टी लगती है खाने में। आप इसके साथ में रोटी पराठा पूड़ी खा सकते हो, चावल के साथ भी इसे खा सकते हो। तो जब भी आप ये रेसिपी ट्राई करो तो बताना ना भूले कि छप्पन कद्दू की सब्जी आपको कैसी लगी।